हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ। जल्दी उठ गई थी आज 5 बजे ही, बाकी का काम करके मैं किचन में आई हूँ। तो रोशनी का लंच बॉक्स बनाने वाली हूँ। मैंने लौकी को ऊपर का स्किन निकाल दिया है, बीज निकाल दिए हैं और अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। साथ में इसमें एक बड़ा प्याज ऐड करूँगी स्लाइस में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिश है, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो एक प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है लंबे स्लाइसेस में, धनिया पत्ता काट लिया है। अगर आप बच्चे को देते हो, छोटे बच्चे हैं, तो कम मिर्च डालिए। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो बहुत सारा भर के मिर्च डालिए, तभी ये टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मिर्च मैंने 2 से 3 काट लिया है। और साथ में ये आटा है यानी व्हीट फ्लावर, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं या राइस फ्लावर, जिससे कि और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला है, नमक डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है, साथ में चिली फ्लेक्स ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर लेंगे। सोडा से है जो थोड़ा सा क्रिस्प बनता है और मॉइस्ट भी बनता है फ्रेंड्स। तो इसको मिक्स कर लिया है सारे ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, और इसमें जो लौकी कद्दूकस किया हुआ प्याज मिर्ची और साथ में धनिया पत्ता है उसे ऐड कर लेते हैं। और इसमें हमें पानी इतना डालना है कि ये अच्छा सा एक पकोड़े जैसा हो जाए। इसमें साथ में मैंने जीरा भी डाला है अभी, और थोड़ा सा जैसे कि पानी डालकर आप पकोड़े वाली जो कंसिस्टेंसी होती है उस तरह का बना लेना है, आप देख सकते हो। और इसे 10 मिनट्स के लिए केवल ढक के रख दूंगी, और इसके बाद पैनकेक्स के जैसे आपको बना लेना है। अगर आप इसमें चावल का आटा भी डालते हो तो बहुत अच्छा सा क्रिस्प बनता है, बेसन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, और थोड़ा सा तवा में तेल डालकर पहले पोंछ लेना है, फिर इस तरह से डोसा चीला बनाते हैं उसी तरह से सेम बनाना है। और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बोथ साइड में पका लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे। तो इसी तरह से सारा कुछ मैंने सेक लिया है, रोशनी तैयार हो चुकी है और उसको भी मैं नाश्ता दे दूँगी। साथ में उसका जो लंच बॉक्स है उसे भी पैक कर दूँगी, चटनी के साथ सॉस के साथ ये टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं कट करके उसको दे दूंगी रोल्स बना के, और साथ में ग्रीन चटनी रख दिया है। तो इसका जो ये एक्चुअली किड्स लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, लौकी बच्चों को पसंद नहीं आती है, पर्सनली मुझे भी लौकी पसंद नहीं है, बट इस तरह से मैं खा लेती हूँ। और इसकी मैंने चोटी कर दी है, और साथ में जैसे कि ये एप्रन वगैरह भी पहनेगी, और आज भी इसका एग्ज़ाम चल रहा है और 2 एग्ज़ाम बचे हैं इनके। तो रोशनी का एग्ज़ाम होते ही एप्रन है एक्चुअली ऊपर में समर का, तो ये अब निकल चुकी है बैग वगैरह लेके। और ये मैंने पोहा बना दिया था क्योंकि मेरे मिस्टर चीला वगैरह नहीं खाते हैं, रेयरली, बहुत रेयर। और साथ में मैंने मशीन भी लगा दिया है, बहुत सारे कपड़े हो गए थे जैसे कि बेडशीट है और साथ में कुछ कपड़े थे पिलो कवर्स, उन सबको लगा दिया है। टाइमर वगैरह सेट कर दूंगी, जब तक ये धुलेंगे फ्रेंड्स तब तक मेरा नहाना धोना और जो बेड वगैरह जो ठीक ठाक करना रहता है वो सारा कुछ हो जाता है, तो वो होता रहेगा साथ में। और पहले मैंने चाय बना लिया है क्योंकि इस समय फादर इन लॉ आ जाते हैं, पापा आ चुके हैं, तो उनको पहले नाश्ता दे दिया है मैंने। और इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने, साथ में चाय भी रख दिया है, और ये कपड़े तब तक धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना धोना और कपड़े वगैरह सुखाना सारा कुछ हो चुका है, करते करते जैसे कि 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और रोशनी का आने का भी जैसे कि टाइम हो गया है। तो ये बोल रहे थे मिस्टर कि ओनली दाल चावल बना लो, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं मेथी आलू की सब्जी भी बनाऊंगी, दाल उबाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और साथ में जैसे कि और दाल सिर्फ फ्राई करना रह जाएगा, चावल भी बन चुके हैं क्योंकि रोशनी के आने से पहले सब कुछ कर लेती हूँ। और जैसे कि मेरे जो फादर इन लॉ है, पापा ने भी कहा है थोड़ा सा उनको डाइटिंग का बहुत ज़्यादा है, बीच बीच में डाइटिंग करते हैं फिर बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो उन्होंने भी जैसे कि कहा है कि मैं दोपहर में 3 रोटी खाऊंगा और रात में सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा, चावल अभी नहीं खाऊंगा। तो मैंने चावल फिर भी बना लिया, अगर उनका मन होगा तो सर्व कर दूंगी। बीच में उनका इसी तरह से रिजोल्यूशन चलते रहता है, खाते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्चुअली वो वॉक करते हैं, वॉक करने की वजह से उनको भूख तो लगेगी ही। तो मुझे जैसे कि गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, अगर मैं धूप में जाऊंगी ना तो मेरे आंखें तो बिल्कुल खुलेगी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएगी। अगर मुझे गर्मी वाले प्लेस में छोड़ दिया जाए या बिल्कुल ठंडे वाले प्लेस में छोड़ दिया जाए
तब भी दोनों ही कंडीशन में मैं तो मर ही जाऊंगी। तो इस तरह से मुझे दोनों ही जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है ना, गर्मी हो चाहे ठंडा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। फिर भी किचन में अभी है, जाना तो पड़ेगा और थोड़ा बहुत बना के फटाफट से। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में हूँ। अभी मैं काटने वाली हूँ मेथी। जैसे कि अभी मेथी का सीजन ऑलमोस्ट चला ही गया है, फिर भी जो होते हैं जैसे कि गांव वाले होते हैं वो कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ले आते कभी कभार, तो अच्छा सा बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसा मिल जाता है। और ये बिल्कुल छोटी पत्ती वाला जो मेथी है वही है मैं काट रही हूँ। तो आज जैसे कि सिंपल फूड होने वाला है, मेथी आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सूखी आलू की सब्जी बनाऊंगी और थोड़ा सा मेथी और आलू और सारे कुछ मसाले जो भी सिंपल से होते हैं वही सारा कुछ डालूंगी, कुछ खास स्पेशल नहीं। बट जैसे कि बहुत लोगों के कड़वे बनते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपकी जो मेथी आलू भुजिया है बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज्यादा मेथी को भून देते हो ना तो वो ज्यादा कड़वा हो जाता है। तो ज्यादा मेथी को भूनना नहीं चाहिए। कोई भी साग वाली चीजों को अगर बहुत ज्यादा हम भून लेते हैं तो एक तो उसका कलर भी हट जाता है और साथ में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है, और स्पेशली जो मेथी है उसमें थोड़ा सा कड़वापन ज्यादा आ जाता है। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और जैसे कि आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी मैं काफी सारे रील्स वगैरह डालती हूँ, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल आपको साइड में दिख रहा होगा, ये है मेरा आईडी श्वेता ठाकुर 79, आप फॉलो कर सकते हो। और पसंद आए जैसे कि मेरा कोई भी फूड कुछ भी कमेंट करना है फ्रेंड्स, आपको क्या देखना पसंद है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कोशिश करूंगी मैं उसी तरह का वीडियो डालने का। सजेशन है तो भी आप दे सकते हो मुझे। मैं जो आलू की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि अगर मेथी बहुत ज्यादा होगा आलू कम होगा तो भी थोड़ा सा कड़वा बनाता है, तो दोनों का करीब करीब बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वांटिटी जो आलू की होती है थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, और उसमें जब पत्ते का जो आता है टेस्ट तभी ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा अगर मेथी डालते हो और आलू बिल्कुल कम होता है तो इसका थोड़ा सा कड़वाहटपन आपको ज्यादा लगने वाला है। आलू इसको जो है बैलेंस कर देता है। कभी कभी जैसे कि मैं इसको बॉइल करके भी बनाती हूँ, आलू को बॉइल करके और इसके साथ फ्राई कर लेती हूँ, और कभी जैसे कि जो कच्चे आलू होते हैं उसे फ्राई करके भी बना लेती हूँ। सब तरह का हर बार थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो ये अच्छे से कट चुका है, बिल्कुल अच्छे से फाइन काट लेना है और तब इसे बनाएंगे। जो इसका जो स्टेम होता है, जो कड़क वाली जो स्टेम होती है उसे नहीं डालना है, वरना आपकी जो सब्जी है आप खाओगे तो रेसा रेसा आते हैं। सा गया तुम्हारा दिन? तो फ्रेंड्स 12:45 हो चुके हैं और रोशनी आ चुकी है स्कूल से। अब फटाफट से मुझे सब्जी बनाना, साथ में दाल फ्राई करना है और रोटी सेकना रह गया है बस। तो सब्जी मैंने रख दिया है, जब तक ये लोग रेस्ट करेंगे, काफ़ी धूप से आए हैं। और जैसे कि आलू कट कर लिया है मैंने, 3 आलू लिए थे, उसे एक ही साइज़ का कट करना है, वरना छोटे बड़े अगर आप करते हो, कोई छोटे साइज़ के जल्दी पक जाएंगे, बड़े साइज़ के देर लगेंगे। तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है कढ़ाई में, थोड़ा सा जीरा और हींग ऐड कर लिया है। इसे पकने के बाद मैं इसमें जो आलू प्याज है साथ में, प्याज की क्वांटिटी अगर अच्छा रखते हो तो इसका जो टेस्ट है और अच्छा आता है, क्योंकि प्याज में थोड़ा सा मीठापन आता है। और इसमें मैं नमक हल्दी डाल लूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो नमक हिसाब से ही डालिएगा स्वाद अनुसार। और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया था हाई फ्लेम पर, फिर बिल्कुल स्लो करके आपको ढककर रख देना है। तो जब तक वो बीच बीच में पकता रहेगा मैं चेक करते रहूँगी जब तक अच्छे से आलू ना पक जाए। एक तरफ मैंने दाल का जो तड़का है लगा लिया है, नमक धनिया पत्ता वगैरह सारा कुछ डाल के दाल फ्राई बनकर तैयार है। और बीच बीच में मैंने जैसे कि चेक करते हुए चला लिया था आलू को, स्लो फ्लेम पर पक चुकी है ये, ऑलमोस्ट 95% डन है। अब मैंने इसमें एक टमाटर डाला है, साथ में अच्छे से वॉश किया हुआ जो मेथी जो पत्ते हैं फ्रेश लीव्स उसे डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा, मिर्ची पाउडर डालिए, अच्छा खासा अमाउंट में डालिएगा मिर्ची पाउडर तभी अच्छा लगता है। धनिया पाउडर डाल लिया है और साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जो पत्ते में जो मॉइस्चर रहता है फ्रेंड्स उसी से ये बाकी का पक जाएगा। और हर बार बीच बीच में मैं इस तरह से जो स्पून से थोड़ा सा उसको मैश करते जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, जिससे कि वो जो टमाटर है थोड़ा सा मैश हो जाएगा, उसका टेस्ट भी सारा कुछ घुल जाएगा।
तो इसे मैंने बीच में ढककर मैश करते हुए अच्छे से बिल्कुल पका लिया है। फ्रेंड्स, ये जो मेथी आलू की भुजिया है, इस तरह से अगर आप बनाओगे, आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, रोटी पूरी पराठा के साथ साथ में दाल चावल के साथ भी आप अगर मेथी आलू इस तरह से बनाओगे तो हर बार आपको यही बनाने का मन करेगा। वैसे तो अभी जो गर्मी शुरू हो गई है फ्रेंड्स, उतना ज्यादा तो अभी मेथी मिलने वाला नहीं है और हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है, वो तो कैसे भी करके ये मिल गया है, तो आज मैंने बना दिया है और इस रेसिपी को जरूर आप ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं सेक लूंगी रोटी, तो रोटी पतली होनी चाहिए जो मेरे मिस्टर खाते, थोड़ी सी भी अगर मोटी रहेगी, कच्ची पक्की रहेगी तो फिर उनका कमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सारा कुछ मैंने दादाजी के लिए, रोशनी के दादाजी के लिए, इनके लिए सेक ली हूँ और साथ में रोशनी जैसे कि चावल दाल और साथ में जो मैंने मेथी आलू बनाया है वही लेगी, रोटी नहीं खाएगी वो। तो इस तरह से सैलेड रख दिया है, दाल फ्राई साथ में रोटी, और ये जो है फादर इन लॉ पापा की जो प्लेट है लग चुकी है और रोशनी भी जैसे कि सर्व करने में मैं प्लेट लगा देती हूँ तो वो ले जाके दे देती है, दादी भी रहती थी तो उनको भी पानी देना या जो प्लेट वगैरह है सारा कुछ दे देती थी। तो इस तरह से अब गैस वगैरह पोंछ लूँगी इनका खाना होने के बाद, मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी और कपड़े भी सारे कुछ सूख चुके हैं। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपने लिए जैसे कि जो लंच टाइम जो होता है उसके लिए मैं ओनली अपना सैलेड लेती हूँ, तो इसमें सीजनिंग कर लिया है मैंने, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है, जीरा पाउडर ऐड किया है और इसमें जो रोस्टेड पीनट होता है यानी मूंगफली रोस्ट किया हुआ छिलका निकाला हुआ वो डाल लिया है और साथ में मैं लेने वाली हूँ दही। तो आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।